मैं बार बार बोलता हूँ, एक को दे दिया तो अकेले मत आ जाओ, आना है तो सब मिल के आ जाओ, तो सबको मिल सकता है। सर ये दिल्ली के अंदर रविवार को जो घटना हुई उसके बाद तमाम प्रोटेस्ट सभी की डिमांड है कि या तो उनको फांसी की सजा दी जाए या फिर ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि ऐसा दोबारा घटना ना हो। देखिए हम सरकार इसी के लिए बहुत सख्त कानून में देख रही है, उसमें क्या सुधार ला के हम कर सकते हैं वो भी देख रहे हैं। ये जो असंतोष इतना बड़ा है वो भी हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। देखिए मैंने बहुत बार बोला है कि मैं 3 लड़कियों का बाप हूँ तो मुझे तो संताप आएगा ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर घूमना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस बारे में बहुत कड़ी कार्रवाई करने की सूचना दे दी है और जब पार्लियामेंट में भी मैंने बताया क्या करना चाहिए, और भी हम करेंगे इसमें कोई। मैं आपकी ओर से हमारे देश के जनता को ये अपील करता हूँ कि सरकार इसमें बहुत गंभीर है और ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट, द लॉ इज इन दी लोकसभा नाउ, इट इज पेंडिंग बट स्टिल इट नीड्स टू बी अमेंडेड और स्टिल वी अमेंड इट। नीड्स टू बी बोलना ठीक नहीं होगा, स्टिल वी अमेंड इट बिकॉज द इंसिडेंट विच हैड टेकन प्लेस इट हैज क्रिएटेड एंगर अमंग्स एवरीवन। सर क्या दिल्ली फ्री क्राइम कैपिटल कभी बन सकती है कि इस तरीके से बात हो रही है कि दिल्ली को पेरिस और हांगकांग बनाने की बात हो रही है, तो क्या दिल्ली कभी फ्री क्राइम कैपिटल बन पाएगी इस तरीके से? देखिए मैं तो अभी 4 महीने हो गया इस डिपार्टमेंट में आके, ये सब एक एक करेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा देर लगेगा, बट मैं आश्वासित करता हूँ देश को कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट इसमें मेजरमेंट लूंगा। मेरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ये इस पर बहुत चिंतित है, हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जस्ट वन मोर क्वेश्चन।